हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में दक्ष प्रजापति समाज का मिलन समारोह बुलाया और इस दक्ष प्रजापति समाज के लोगों के साथ मुलाकात की। हरियाणा निवास पर हुई इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा भी शामिल हुए। बैठक के दौरान दक्ष प्रजापति समाज के लोगों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं भी रखी हैं। मुख्यमंत्री ने पंचकुला में दक्ष प्रजापति समाज के लोगों के लिए 30% पर 1000 गज का प्लॉट भी आवंटित किया और 21 लाख रुपये की सहायता के भी ऐलान किया। और मुख्यमंत्री ने हिसार में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज का नाम तब्दील करके गुरुदक्ष प्रजापति गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल किया गया और जिसका अध्यक्ष प्रजापति समाज के लोगों ने सीएम का आभार व्यक्त किया। हरियाणा में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात से जगह जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और नदी नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने एसडीएम और सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ शहर का जायजा लिया। मुआयना करने के बाद उन्होंने कहा कि अम्बाला छावनी में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पानी रुका हुआ है और बाकी सभी जगहों से पानी निकल रहा है और नगर पालिका की टीमें पानी निकालने में लगी हुई हैं। वाटर लॉगिंग के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जिस पर फोन करके आप सुविधा का लाभ ले सकते हैं। करनाल में सीआईए दो शूटर्स को गिरफ्तार किया गया और दोनों आरोपी तराबड़ी में एक दुकान के मालिक पर गोलियां चलाने की फिराक में थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों आरोपी सिरसा के रहने वाले हैं और पैसों के लिए वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में सचिन के संपर्क में थे और आपको बता दें गिरफ्तार किए गए दोनों शूटर्स जेल में बंद अपराधी सचिन से इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क किया करते थे और इसके साथ ही विदेश में बैठा सचिन भिवानी का साथी आशु राणा भी उसी वारदात में उपयोग होने वाले हथियार उपलब्ध करवाता था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से बाइक, पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए और कार्रवाई की जा रही है। पंचकुला में लगातार हो रही बरसात के बाद कौशल्या डैम में पानी खतरे के निशान तक पहुंच गया है और पानी ज्यादा होने के बाद डैम से करीब 600 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हो रही बरसात के बाद भी पंचकुला में कौशल्या डैम का जलस्तर बढ़ गया है। आपको बता दें कौशल्या डैम की अधिकतम पानी स्टोरेज की क्षमता 478 मीटर है और अगर पानी का स्तर इस लेवल तक पहुँचता है तो कौशल्या डैम प्रबंधन अधिक पानी छोड़ेगा। गुरुग्राम में मूसलाधार बरसात के बाद एक बार फिर से जल प्रलय के गंभीर हालात बन गए हैं और बारिश के बाद गुरुग्राम के कई हिस्सों में जल समाधि हो गई है जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर हुए जलभराव के बाद कई जगहों पर ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है और गनीमत रही कि शनिवार रविवार की छुट्टी की वजह से यहाँ हालात काबू में रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में रविवार सुबह से कई हिस्सों में मध्यम से भारी बरसात हो रही है। लगातार बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है और जिस वजह से लोगों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गुरुग्राम में जल सैलाब में फंसी कार में सवार परिवार के कार की छत पर चढ़कर जान बचाई है। इतना ही नहीं सदर पुलिस स्टेशन में भी पानी भर गया। अम्बाला में लगातार दो दिन से हो रही बारिश के चलते कई स्थानों पर जलभराव है। घग्गर नदी के उफान पे होने के चलते खेतों में जलभराव की स्थिति है और खेतों में खड़ी फसलें डूब गई हैं। किसानों ने इन हालातों को देखते हुए प्रशासन से मदद की अपील की। रेवाड़ी के सेक्टर 4 से घर में दो दिन पहले हुई लूट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए लूट के दौरान घर में मौजूदा युवती के दोस्त ने ही लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने कहा है कि युवक ने युवती को ब्लैकमेल करके लूट की वारदात को अंजाम दिया और घर में पकड़े जाने के डर से लड़की ने लूट का झूठा ड्रामा रचा और किसी को शक ना हो इसलिए खुद के ऊपर ब्लेड से वार भी किए।
रतिया में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक की पहचान मध्य प्रदेश निवासी रामू के तौर पर हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतक से संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।